नहीं आनी चाहिए। ना हो, परिवार ना हो, रिश्तेदारी ना हो, धर्म ना हो, सिर्फ देश हो, देश की खूबसूरती हो, देश की प्रोग्रेस हो, और वो चीज जो देश को दीमक की तरह चाटती है, उन चीजों पर काम किया जाए। कोई भी चुन ले, मैं हर बार बोलती हूं, आप पानी बचाना चुन ले, आप ये रेजोल्यूशन ले लें, ये रिजॉल्व ले लें कि ये साल 2021 मैं अपने घर पर आगे पीछे पानी बहता देखूंगा या देखूंगी तो उसको मैं इमिजिएटली जो है उसका कोई एक्शन लूंगा। ये सोच लें कि मैं कभी सीट बेल्ट खोल के नहीं ड्राइव करूंगा या करूंगी। ये सोच लें कि मैं हमेशा जो है अपने बड़ों का आदर करना शुरू करूंगी। ये सोच लें कि मैं करप्शन के ऊपर अपना जो है शिकंजा कसूंगा या कसूंगी। उस समय अपनी मैं को लाइए, मैं करूंगी, मैं करूंगा, फिर देखिए देश कैसे बदलता है। कि आज एक संकल्प ऐसा लें और चुपचाप लें, उसका ढिंढोरा मत पीटिए। जब काम करने वाले होते हैं वो ढिंढोरा पीट के काम नहीं करते, वो करते हैं। उसको करिए और अपनी कथनी और करनी दोनों में कम से कम अंतर हर दिन होना चाहिए। मेरा आज मेरे पिछले कल से बेटर हो, आने वाला कल आज से बेटर हो। दिस इज व्हाट अ लाइफ शुड बी। और क्योंकि आज हमारा ये दिन स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, एक पूरे सेंचुरी में एक बार ये दिन आता है, तो मेरी सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आज तो एक रिजॉल्व कर लें देश के नाम। अब मैं जय हिंद का नारा दूंगी तीन बार और इसकी आवाज इतनी तेज होनी चाहिए कि पूरा उधमपुर सुने, पूरा उधमपुर सुने कि 15 अगस्त मनाया जा रहा है, डिग्री कॉलेज में मनाया जा रहा है। और अगर कोई घर पे इसको लाइव टेलीकास्ट देख रहा है वो भी खड़ा होकर जय हिंद बोलने का मन करे, इतनी जोर से इसकी ईको की आवाज आनी चाहिए। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, थैंक यू। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।